दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं रामायण की कथा और ये है सोलो पॉडकास्ट बाय मनीष चौहान। तो लास्ट टाइम जहां पे हमने रामायण छोड़ी थी वो थी बच्चों का जो नाम था, नामकरण था, वो हो चुका था। लेकिन अब जो रामायण है वो जाने वाले गुरुकुल की तरफ, जहां पे बच्चों को शिक्षा मिलने वाली थी, काफी सारी चीजें उनके साथ होने वाली थी, उन्हें अपने योग आसन करना बहुत जरूरी था, ये सिखाया जाने वाला था, उनके साथ काफी सारी चीजें ऐसी होने वाली थी जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। तो शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो बगीचे में आम तोड़ रहे थे, तो वो खेल रहे थे, कूद रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तीनों रानियां उनको अपना जो घर था, उनका जो राजमहल था, उसमें जो बालकनी थी उनकी, है ना, तो वहां से देख रही थी तीनों रानियां। हंस रही थी, लुक तो उठा रही थी उनकी बातों का, है ना, देख देख के बच्चों का, रे कितने प्यारे लग रहे हैं भाई खेलते हुए, है ना। तो अचानक से जो रानी के कही है वो कहती है कि ले लो मजे अभी तो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये जाने वाले हैं गुरुकुल, और फिर हमें इनकी कहां ये जो मीठी मीठी बातें हैं, इनकी जो छोटे छोटे से नखरे जो हम उठाते फिरते हैं, ये हमें कहां ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो तीनों रानियां थी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित थी। लेकिन फिर उन्होंने जब वो खाने के लिए बैठे सबके सब वहाँ पे, तो उन्होंने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि क्या हम बच्चों की जो गुरुकुल की शिक्षा है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं क्या। तो जो राजा दशरथ थे उन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि जो चीज़ जिस मुहूर्त पे होने के लिए बनी, अगर वो उसी चीज़ उस मुहूर्त पे हो जाए, वो चीज़ उसी मुहूर्त पे हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी फ्यूचर में भी, क्योंकि वो टाइम पे हो चुकी है। तो ये चीज रानियों को समझाया राजा दशरथ ने, और अब टाइम आ चुका था बच्चों का उपनयन संस्कार करने का। ठीक है, उपनयन संस्कार बेसिकली होता क्या था कि उनको राजा कुलगुरु के साथ में गुरुकुल भेजता था बच्चों को, या फिर कोई भी माँ बाप, नॉर्मल माँ बाप भी गुरुकुल भेजता था बच्चों को, और गुरुकुल भेजने के बाद उनको वहीं रहना था तब तक उनकी शिक्षा दीक्षा समाप्त ना हो जाए तब तक। अब गुरुकुल के काफ़ी ज़्यादा नियम जो कठोर भी थे, बच्चों को नंगे पांव रहना है, उन्हें भिक्षा मांग के लानी है, चाहे कोई राजकुमार हो कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, सबको भिक्षा, सबको एक समान रखा जाएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती थी वहाँ पे। राजा के बच्चों में और जो गरीब बच्चे थे, जो मध्य वर्ग के बच्चे थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आजकल ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल्स में भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो श्री राम जी थे वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगे, बड़े होने लगे। उन्होंने योगासन और आपका वीणा बजाना, संगीत की शिक्षा, सब चीज़ें प्राप्त की, अपने जो शरीर था उनके चक्र खोले, और जो वो एक मतलब प्रॉपर एक योगी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो ह्यूमन वहाँ से बन के निकले, है ना। वो छोटे छोटे जो गए थे श्री राम जी वहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े होके वहाँ से निकले, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, और वहाँ पे इतना मतलब बढ़िया माहौल था। श्री राम जी भगवान थे तो उनके काफ़ी सारे दोस्त बने वहाँ पे, है ना। उनका एक दोस्त बना वहाँ पे जिनका नाम था निषाद राज। ठीक है, तो निषाद राज का आगे चल के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके पॉडकास्ट को बिल्कुल छोड़े ना, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये भले ही मैं सोलो कर रहा हूँ लेकिन इसमें नॉलेज पूरी है। तो पॉडकास्ट मतलब, तो निषाद राज का एक पूरा वो आने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ आपको आगे वीडियोज़ में, तो वीडियोज़ को मिस ना करें। जो राम जी थे वो गुरुकुल से वापस आए, है ना, रानियों से मिले, राजा दशरथ से मिले, है ना, गुरु वशिष्ठ ने उनको एक काफ़ी बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी, एक काफ़ी अच्छी चीज़ें उन मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सिखाई, काफ़ी अच्छी चीज़ें उनको बताई, उनको एक बहुत ही बढ़िया पुरुष बना के भेजा, उनके काफ़ी सारे दोस्त भी बने। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो धीरे धीरे जो बाल्यकांड है वो समाप्त होने वाला है श्री राम जी का, और जब ये बाल्यकांड समाप्त होगा श्री राम जी का, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पूरी रामायण की जो स्टोरी है उस फेज से ही बदलने वाली है। तो आप लोग जो है स्टे ट्यून रहे, बिल्कुल एकदम प्रेस कर दें बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के साथ में। चलो भाई, आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियोस में अपलोड नहीं कर सकता, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस इनफ है। तो चलो मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो और एक और नया पॉडकास्ट शूट करने, तब तक के लिए जय श्री राम।